दोस्तों नमस्कार व स्वागत। दोस्तों यह वही चूना है जो पान की दुकान पर बड़ी आसानी से उपलब्ध है और दोस्तों इसके आश्चर्यजनक फायदे आपको आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों चूने के जो आश्चर्यजनक फायदे हैं उससे अनेकों लोग अनजान हैं और दोस्तों जो जानते हैं वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। जो आपके घर में बच्चा कमज़ोर हो, सुस्त रहता हो, जिसकी हाइट ग्रो नहीं हो रही हो, तो उसे चूने का आप सेवन करने के लिए दें। कुछ ही दिनों में उसकी हाइट व हड्डियां मजबूत होने लगेंगी, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। कैल्शियम की कमी हो तो वो तो आसानी से दूर हो ही जाएगी। और दोस्तों इसे खाने का बहुत ही आसान तरीका है, कभी भी इसको खाली न खाएं। जैसे आपने चूना ले लिया और जीभ पर लिया तो जीभ फट भी सकती है और आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, घाव भी बन सकता है। इसे खाने का बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको किसी कांच की बोतल में चूने को डाल दें, ऊपर से पानी भर के थोड़ा हिला के रख दें और ऊपर का जो पानी होता है उसे एक गिलास गर्म पानी में डालकर आप सुबह खाली पेट पी सकते हैं। सिर्फ एक चम्मच ही लेना, एक चम्मच इसका पानी होना चाहिए चूने का और उसमें एक गिलास में मिक्स करके आप सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं, या आधा चम्मच बच्चा है तो आधा चम्मच दें। दोस्तों इससे आप 15 से 20 दिनों में काफ़ी अंतर देखोगे, बहुत सारी कमियां जो होती हैं कैल्शियम के कारण जो कमी आई हों बॉडी में वो भी कम होने लगे। दोस्तों बुद्धि विकास के लिए भी चूना बहुत ही अच्छा एक औषधि है, इसे आप बुद्धि विकास के लिए, बच्चे यदि पढ़ाई में मन न लगता हो, याददाश्त कमज़ोर हो, तो उन्हें भी इसका सेवन आप करा सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों को गठिया बाई की परेशानी है या जॉइंट पेन है या घुटने से चला नहीं जाता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, तो चूने का प्रयोग करें, थोड़ा सा सेवन करें और इसका लेप बना करके आप ज़रूर लगाएं। लेप की वीडियो हम आपको कल ज़रूर डालेंगे और बहुत ही आसान तरीका है, 1 से 2 हफ्ते में ही आपका दर्द एकदम दूर हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा बनाए रखें।